हम सबकी दिक्कत यही है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, इससे बाहर निकलना है। दिक्कत क्या है ना, हम सबकी दिक्कत क्या है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। कहने का मतलब ना तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो, ना तुम असल में वो कर रहे हो जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, तुम जीवन में वो करते रहते हो जो तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे करवाना चाहते हैं, जो तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे करवाना चाहते हैं, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सुंदर देखना चाहते हैं इसलिए तुम बैठे हुए अपना मेकअप करो, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्मार्ट देखना चाहते हैं इसलिए तुम बैठे हो इंस्टा पे रील डाल रहे हो अपने और देख रहे हो कि अरे मैं हीरो बन गया, ये तुम्हें लगता है। तुम क्या करना चाहते हो खुद से पूछो, ये जो लोगों को तुमसे मिलता है ना इस पे मत जाओ कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें लगता है कि लोग तुमको ऐसे देखना चाहते हैं, लोग तुमको इंजीनियर बनना देखना चाहते हैं, लोग तुम्हारे पास चाहते हैं कि हमेशा भीड़ कलेक्टेड रहे, लोग चाहते हैं कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलो, लोग चाहते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट रहो, लोग चाहते हैं कि तुम फनी रहो, लोग चाहते हैं तुम ह्यूमरस रहो, लोग चाहते हैं तुम इंटेलिजेंट रहो, चाहते हो जिंदगी से जीवन एक बार मिला है, दिस लाइफ इज फॉर वंस। आज इस वीडियो के बाद डिसीजन लो कि क्या तुम सच में आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे चाहते हो, कमेंट में लिखो हां अगर चाहते हो, क्या तुम सच में आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जाना चाहते हो, क्या दिल से चाहते हो, दुनिया तुमसे क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या चाहते हो कमेंट में लिखो हां लिखो हां, चाहते हो तो लिखो हां, मैं वेट करूंगा। कॉन्फिडेंस चाहिए और ये कॉन्फिडेंस तोड़ने की बहुत लोग कोशिश करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे इस सफर में। हम सबकी दिक्कत यही है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, इससे बाहर निकलना है। आई शुड बी व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वही बनूंगा जो मैंने सोचा। अब इस सफर में बहुत लोग तुमको रास्ते में बोलेंगे यार आईआईटी दिल्ली रहा यार क्या सपना देख रहा है, पागल हो गया क्या, बोल दे पागल हो गया, बोल दे लोग तुमको बहुत डिमोटिवेट करेंगे। अभी तुमने बोला होगा भैया हम आईआईटी में जाएंगे, अब वो भैया तुम्हारे मोहल्ले के जो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं जिनका आईडी नहीं निकला, अनसक्सेसफुल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने आईडी के सीरियस अटेंड ही नहीं दिया था, जिनके नीट में 600 नंबर नहीं आए वो तुमको ज्ञान देंगे, अरे भाई तेरा नहीं हो सकता आईडी, अरे भाई तेरा आईडी डैडी का सपना, अरे कैसी बात कर रहा है आईडी डैडी, भाई बहुत टफ है बहुत मुश्किल है, भाई तुमने तो मेहनत की नहीं उसको तो करने दो, सबसे पहले अपने दिमाग से यह चीज निकाल लो कि आईआईटी दिल्ली जाने का, आईआईटी बॉम्बे जाने का, एम्स जाने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का सपना टफ है, बिल्कुल टफ, वो बस एक एम है जिसको तुम पूरा करके जाओ। जीवन में बता सबसे मुश्किल स्टेप क्या थी, जीवन की सबसे मुश्किल स्टेप थी अपने पैरों पे चलना। एक बच्चा जो हाथ ऐसे हिलाता है पैर ऐसे, किसी ने सोचा था कि वो चलने लगेगा, वो चलना शुरू कर देता है, पता है क्यों, पता है क्यों वो चल सकता है, कितनी मुश्किल चीज है ना, जो इंसान चल नहीं सकता, जो ऐसे लेटा हुआ है छोटा सा बच्चा है हाथ ऐसे चल रहा है, किसी कर रहा है ना, बोल पा रहा है ना, कुछ समझ पा रहा है, वो चलना शुरू कर दिया, दिस इज अ मैजिक, पर इसको मैजिक नहीं देखते आप, क्यों इसको आप मैजिक नहीं समझते, इसको सोचते तो होना ही था, क्यों क्यों, क्योंकि तब हमको पता है ये तो होना ही था, ये तो आसान है, और आईआईटी और नीट के गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज के लिए आपके दिमाग में डाल दिया गया ये टफ है, उससे टफ थोड़ी है। जीवन में तूने क्लास थर्ड में जो रेस दौड़ी थी याद है, अपने क्लास के अंकित को कैसे हराया था, फर्स्ट आया था, उससे टफ थोड़ी है। वो क्रिकेट मैच याद है जब 25 रन चाहिए था तूने बनाया था, उससे टफ थोड़ी है। एक में ये भी एक, इसको भी एक बैटल की तरह लेना है और इस बैटल को लड़ना है, लोगों की नहीं सुनना है, आपको वो बनना है व्हाट यू थिंक यू आर।